हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। चले जी, आज हम बनाएंगे बारबेक्यू चिकन मैक्रोनी। सो उसके लिए हम लोगों को चाहिए जी ये थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं। उसमें से जी बोनलेस चिकन हमने लिया था, स्ट्रिप्स में कट कर लिया था, तकरीबन हाफ कप हो गया था बोनलेस चिकन लिया था। उसके बाद जी लहसुन के जवे लिए थे 4 से 5 अदद। नमक लेंगे 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/2 टेबल स्पून, ऑयल लेंगे 2 टेबल स्पून, एक बाउल एक कप मैक्रोनी लेंगे। सॉसेस में जी चिली सॉस, सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी एक बाउल में पानी गर्म करेंगे, बॉयल आने पे ना उसके अंदर नमक का ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे, और इसके अंदर मैक्रोनी डाल के इसको अच्छे से फुली बॉयल कर लेना मैक्रोनी को। ये जी नमक ऐड किया, इसके अंदर ऑयल ऐड किया, बॉयल आने तक इसके अंदर बॉयल, जब एक बॉयल आएगा ना इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे और मैक्रोनी को फुली बॉयल कर लेंगे। उसके बाद जी हम अपना चिकन का जो मसाला है वो तैयार करते हैं। सबसे पहले जी पैन को गरम करेंगे, इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल का ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करेंगे, चॉप्ड गार्लिक था ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए सौते करेंगे ऑयल के अंदर। जब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हम जो चिकन स्ट्रिप्स में कटा हुआ वो ऐड करेंगे, और चिकन जब अपना कलर चेंज कर लेगा, पिंक से वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा जब, तो उस तब उसके अंदर हम अपने सॉसेस ऐड करेंगे और स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये जी मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। ये जी एक तरफ मैक्रोनी बॉयल हो चुकी हुई थी, दूसरी तरफ हम अपना मसाला रेडी कर रहे हैं। इसके अंदर जी 1 टेबल स्पून लाइट सा 1 टेबल स्पून ना सोया सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से इनको। उसके बाद जिसके अंदर वो 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड करेंगे, उसके बाद जी 1/2 टेबल स्पून हम लोग ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद जी बारबेक्यू सॉस ऐड करेंगे विच इज 2 टेबल स्पून भर के, इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छे से मिक्स करके जब ऑयल सेपरेट हो जाए, सारी सॉसेस बीच में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, तब जी हम मैक्रोनी ऐड करेंगे और जी फाइनल लुक के साथ पेश होती हूँ। ये जी फाइनल लुक बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।